हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर क्लासेस पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्यारे साथियों, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की एक नई भर्ती की घोषणा हुई है। नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आपके जारी हुआ है। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए सुंदर अवसर रहने वाला है। 15,000 इस पद इसके अंदर रहने वाला है और इस भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, सीधा मेरिट बेस ये भर्ती होने वाली है। आपके 10वीं के प्राप्तांक के आधार पर या 10वीं के नंबरों के आधार पर आप लोगों को है वो सिलेक्शन दिया जाएगा या पर मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो कुल कितने पद रहने वाले हैं, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, सारी बातें सेशन के अंदर करने वाला है। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। तो चलो आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। प्यारे साथियों, इस भर्ती की और भी जानकारी चाहने के लिए, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप लोग उदयपुर क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस भर्ती का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। चलिए, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इस भर्ती की बात करते हैं। प्यारे साथियों, इस भर्ती के लिए आप लोगों की उम्र क्या रहने वाली है, तो उम्र आप लोगों की 18 साल से लेकर के 40 साल की आप हो तो आप लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपकी एज है वो कैलकुलेट की जाएगी आप लोगों के 11/6/2023 यानी 11 जून 2023 तक आप लोगों की एज है 18 साल पूरी हो जानी चाहिए। इससे कम है तो आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर इसके अंदर रिजर्वेशन दिया गया है। देखो, आप यदि आपकी एज ज़्यादा हो गई है 40 साल से, तो आप लोग यदि यहाँ पर देखो ट्राइब के अंदर आते हो, SC ST के अंदर आते हो, तो आप 45 साल आप मतलब रिजर्वेशन दिया गया है 5 साल का। उसके बाद यदि आप OBC से आते हो 3 साल रिजर्वेशन है। यहाँ पर EWS के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। बाकी आप डिजेबल हो, PWD 50 साल के तक हो, तो आप लोग उम्र मतलब 50 साल तक आप फॉर्म लगा सकते हो। मतलब 10 साल इलेक्शन इसके अंदर दिया गया है। बाकी आप इलेक्शन देख सकते हो, 13 साल 15 साल इलेक्शन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो। और उसके आगे यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आप लोगों के 10वीं पास होना यहाँ पर जरूरी है, 10th पास आप लोग होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट एंड 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास इन, यहाँ पर देख सकते हो, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन शेड्यूल्ड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। यहाँ पर इंग्लिश और मैथ के अंदर आप पास होने चाहिए। और भी देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के अंदर आप लोगों के 10वीं होनी चाहिए, मतलब वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज, जैसे राजस्थान के अंदर लोकल लैंग्वेज है नहीं, संस्कृत है, तो आप लोगों को एलिजिबल हो जाओगे। आप अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के जनरल ऑफ नॉलेज, यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, साइकिलिंग का नॉलेज भी यहाँ पर होना चाहिए, साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर एक्वेयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। बिल्कुल, और बात करते हैं यहाँ पर आगे चलते हैं रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप कब से कब तक कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपके इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन GOIN पर यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अपनी फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म के लिए फीस क्या रहने वाली, मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। आगे चलते हैं, पहले साथ आगे चलता हूँ लेकर आप लोगों को कि फॉर्म के लिए फीस क्या रहेगी। पहले साथ इसके अंदर मैं नहीं ले पाया आपके फॉर्म की फीस, मे भी इसमें लिखा होगा, सर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो पेमेंट फॉर फी, यहाँ पर देखो फॉर्म के लिए फीस क्या रहने वाली है। फॉर्म की फीस आप लोग देख सकते हो, 100 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं ओनली फॉर जनरल और OBC के लिए, बाकी सभी के लिए और लड़कियों के लिए बोले तो महिलाओं के लिए फॉर्म की फीस नहीं लगेगी। सिर्फ जनरल के लड़कों के लिए और OBC के लड़कों के लिए फॉर्म फीस लगने वाली है, बाकी लड़कियों के लिए फॉर्म फीस नहीं लगेगी। बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस है वो यहाँ पर नहीं लगने वाली है। अब सर बताइए कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो बताता हूँ आप लोगों को फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। पहले साथियों देख सकते हो आपके फॉर्म की डेट क्या रहने वाली, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म की डेट रहने वाली आप लोगों के रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, यहाँ पर आप 22/5 यानी आज से ही आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और आप 12/6 यानी 12 जून तक फॉर्म भर सकते हो। आज से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 12 जून तक आप इसका फॉर्म है वो भर सकते हो, ठीक है। अब सर कितने पद रहने वाले हैं, पदों के बारे में बता दीजिए जरा, तो लगभग 15,000 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। इस 15,000 पदों के अंदर किस किस के पद रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दो तरह के पद आपके यहाँ पर है इसके अंदर, एक तो है BPM और एक है ABPM। BPM का मतलब होता है यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM का मतलब हो जाएगा आप लोगों के असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सैलरी का भी यहाँ पर पे आउट दिया गया है, लगभग 12,000 से लेकर 29,000 सैलरी आपको मिलेगी इसके अंदर, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंदर आप लोगों को 10,000 की लेकर 24,000 के बीच आपको सैलरी है वो मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं सर जी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो आपको डॉक्यूमेंट 10वीं की मार्कशीट, आपका फोटो और आपके सिग्नेचर चाहिए, और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। मोबाइल नंबर के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करके इसका फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे बता सकते हो, जरूर अप्लाई कीजिएगा। कोई है वो फीस यहाँ पर लड़कियों के लिए नहीं लगने वाला, लड़के जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी ST ST के विद्यार्थी भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई फॉर्म फीस नहीं रहने वाली है। और जनरल और OBC के लड़के चाहे तो आप भी भाग्य आजमा सकते हैं, कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। 10वीं के मार्क्स के आधार पर आप लोगों को मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, तो आपके भी 10वीं में अच्छे नंबर है तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।